साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज हम बात करेंगे रशिया से रिलेटेड। मैंने एक दो वीडियो पहले एक विजिट वीज़ा के रिलेटेड डाला था, एक वर्क परमिट वीज़ा, थर्ड नंबर पे है बिजनेस वीज़ा। क्योंकि बिजनेस वीज़ा में भी रशिया में बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि इस वीज़ा में जाके वहाँ पे काम करके अपन वर्क परमिट वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और एजेंटों ने भी यही फॉर्मूला अपना रखा है। बहुत सारे मेरे पास महीने में 5-10 वीज़ा ऐसे आ जाते हैं रशिया से रिलेटेड, जो उनके पासपोर्ट में बिजनेस वीज़ा लगा हुआ होता है, लेकिन एजेंट यहाँ ये गलती कर देते हैं कि उनको झूठ बोल देते हैं कि ये तेरा वर्क परमिट वीज़ा है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि आप 3 मंथ वहां पे स्टे कर सकते हैं बिजनेस वीजा। ये कुछ सब कुछ लिखा हुआ आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो रशियन लैंग्वेज में होता है, तो बंदे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता। उसको एक ही माइंड लगता है कि पासपोर्ट में वीजा लगा हुआ है 1 ईयर, 1 साल का ये दिख जाता है बंदे को, तो हाँ 1 साल का, जबकि रशिया का 1 साल का बिजनेस वीजा होता है, न कि वर्क परमिट वीजा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं कि वीजा लगता कैसे है। तो भाई वीजा लगने के लिए तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो आप फॉलो करोगे तो आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है, लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल होना जरूरी है। इसमें ये प्रोसेस कोई एजेंट के थ्रू नहीं है। तो साथियों इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज इसी तरह के टॉपिक पर आपको वीडियो मिलते रहे। आज हम बात करेंगे साथियों वीज़ा लगता कैसे है। अगर आप जो सिस्टम है जैसे रशिया एम्बेसी का या फिर रशियन गवर्नमेंट का जो सिस्टम उसको फॉलो करते हो, तो रशिया का वीज़ा सबसे आसान होता है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी होता है। अब कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों रशिया का वीज़ा, बिजनेस वीज़ा 2 तरह के होते हैं। एक तो 1 ईयर का वीज़ा होता है, ठीक है, एक 1 ईयर का, एक 3 ईयर का। बाकी लगभग लोगों को 1 ईयर के नॉलेज ही है कि 1 साल का वर्क परमिट, 1 साल का बिजनेस वीज़ा होता है, जबकि 3 साल का भी बिजनेस वीज़ा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको स्टे ओनली फॉर 3 मंथ ही आप वहाँ पे रुक सकते हैं, ये माइंड में रखें, 3 मंथ ही रुक सकते हैं। और एक बिजनेस वीज़ा और भी होता है जो फर्स्ट में आप अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1 साल का ये 1 ईयर और 3 ईयर ये वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको 3 मंथ का ही बिजनेस वीज़ा मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस से पर्पज़ से जाते हैं तो उनको 3 मंथ का वीज़ा फर्स्ट में मिलता है, वो 3 मंथ रुक सकते हैं, फिर आपको उनको वापस आना पड़ता है, ठीक है साथियों। इस तरह से प्रोसेस होता है, फिर सेकेंड टाइम उनको 1 ईयर या 3 ईयर्स का वीज़ा वो ले सकते हैं। आगे बात करें, पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास बीमा होना ज़रूरी है। मेन बात यह, आपको भाषा रशियन लैंग्वेज का थोड़ा बहुत अनुभव आपको अगर है तो बेस्ट है, बाकी इंग्लिश तो आनी ज़रूरी है, इंग्लिश के बिना तो भाई काम नहीं चलने वाला, ठीक है साथियों। मेन चीज़ ये आ जाती है साथियों 4 नंबर पॉइंट, इन्विटेशन लेटर। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं होगा तो भाई वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं है। ये बहुत सिंपल है, इनविटेशन लेटर आप कहीं से भी ले लो, $20 में आपको आराम से मिल जाता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, $20 में आप ये इनविटेशन लेटर ले सकते हो। इसमें फॉर्म आएगा कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट के साथ, आपको आपको कहाँ जाना है, रशियन एम्बेसी जाना है, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई, कलकत्ता, रशियन एम्बेसी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, वहाँ से आपका अप्रूव्ड वीज़ा होगा। 1.5-2 महीना इसमें प्रोसेस में आराम से लग जाता है। तो कहने का मतलब कोई हार्ड नहीं है, बिजनेस वीज़ा का इतना कोई खर्चा नहीं है जितना एजेंट आपको बताते हैं, ठीक है साथियों। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, अगर आप रशिया से रिलेटेड ये वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन जाओ रशियन, ठीक है, इनविटेशन लेटर कंपनी का लो, मात्र $20 आपका लगेगा, ठीक है। इनविटेशन लेके कंप्लीट फॉर्म के साथ में और पासपोर्ट वगैरह लेके सीधा रशियन एम्बेसी पहुँचो, वहाँ पर इंटरव्यू दो, डॉक्यूमेंट जमा कराओ, जब भी आपका अप्रूवल होगा वीज़ा लग के पासपोर्ट में हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब बोलने में थोड़ा सरल है, वैसे आपको कोशिश करोगे तो भाई टाइम उसमें प्रोसेस में लग जाता है, वो आपको प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है साथियों। मेरे हिसाब से मैंने आपको बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड इंक्वायरी दी है। एक इसमें एक प्लस पॉइंट और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि मान लीजिए कि आप बिजनेस वीज़ा में जा रहे हो, अगर कंपनी चाहे तो आपका वर्क परमिट वीज़ा में ये कन्वर्ट करवा सकती है, ये आपके लिए बेस्ट है, इसलिए इस वीज़ा में लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि भाई वर्क परमिट वीज़ा इतना आसान नहीं होता, कंपनियाँ लेके नहीं जाती। यहाँ से वो चले गए 3 महीने तक वो रह सकते हैं, फिर कंपनियों में जाके वहाँ पर इंटरव्यू दो, सिलेक्शन उनका हो जाता है तो कंपनी वो वीज़ा फिर उनका कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट वीज़ा 3 ईयर्स में, तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन ये एजेंटों के बजाय डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कम खर्चे में ज्यादा काम आपका हो जाएगा। आई होप सर साथियों वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी तरीके के टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।